हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए ये जो 2 दिसंबर 2023 का एचटेट का एग्ज़ाम गया है, उस पेपर में हरियाणा जीके के जो सवाल पूछे गए थे, टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। होप आपका ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप लोग करेक्ट आंसर मैच कर सकते हैं और आइए मैं सटीक आंसर इनके आप लोगों को दे देता हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल इन्होंने पूछा था आप लोगों से, तो वो सवाल ये था कि साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िएगा, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है अबाउट साधु निश्चल दास वो बिल्कुल ठीक रहेगी। हरियाणा के भक्ति आंदोलन से संबंधित ये क्वेश्चन आप लोग कह सकते हो पूछा गया था, और इसमें पहली स्टेटमेंट थी वह दादू के शिष्य थे, या यूँ कह सकते हो दादू डिसिप्लिन से संबंध रखते थे। तो ये बात ठीक है, ये दादू डिसिप्लिन से संबंध रखते थे। इनका 1791 में जन्म हुआ था, 1791 में 1791 में इनका जन्म हुआ था। दादू पंथ से संबंधित थे ये एक्चुअली, और ये हिसार हांसी से संबंधित थे। और इसके साथ साथ जो है ना, इन्होंने बहुत सारी संस्कृत भाषाओं के अंदर इनके किताबें लिखी गई है, जिनमें से एक बहुत फेमस है, जिसका नाम पेपर में दे ही रखा है, विचार सागर। विचार सागर बहुत फेमस है। विचार सागर के अलावा इनकी जो लिखी गई कृति है उसका नाम है वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर। और इसके अलावा जो है ना, मुक्ति प्रकाश भी इन्हीं की लिखी गई है, मुक्ति प्रकाश। तो ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कृतियां हैं, जो हो सकता है कहीं और एग्जाम में आने वाला कल का जो पेपर उसमें आपको देखने को मिले। तो विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर, मुक्ति प्रकाश, ये साधु निश्चल दास से संबंधित है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी इन्होंने दी थी, इन्होंने एक किताब विचार सागर संकलित की थी जो संवाद के रूप, एक्चुअली क्या है कि विचार सागर इनकी बहुत फेमस हुई थी, इन सब में सबसे ज्यादा लोकप्रिय विचार सागर रही है। सो इसका स्टेटमेंट दोनों ही ठीक है, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट इसका करेक्ट था, ऑप्शन फोर्थ इसका परफेक्ट था। अगला सवाल, हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है। तो होप ये सवाल आपका सबका ही ठीक गया होगा। चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। भिवानी में कहाँ पे है, भिवानी के अंदर केरू केंद्र पड़ता है ये वाला। अच्छा, उन्होंने अगर ये पूछना होता हमसे कि मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है ये पड़ता है झाबुआ के अंदर, पड़ता है झाबुआ। झाबुआ कहाँ पे पड़ता है, झाबुआ पड़ता है रेवाड़ी के अंदर, झाबुआ रेवाड़ी में है मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र अगर पूछते तो वो। तो खैर, इजी सवालों में से एक ये भी था। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग, हु इज द चीफ कमिश्नर ऑफ हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन। राइट टू सर्विस कमीशन के जो चीफ कमिश्नर कौन है हरियाणा के, तो इस सवाल का आंसर था श्री टीसी गुप्ता साहब, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है वो परफेक्टली मैच हो रहा था। अगेन गीता जयंती समारोह, देखो ये सवाल बहुत इजी था, ये कि आप लोगों को गीता जयंती अच्छे से पता है कि हर साल ना जनवरी दिसंबर महीने में मनाते हैं, दिसंबर जनवरी महीने में सेलिब्रेट करते हैं। और थोड़ा सा अगर देसी महीनों का हिसाब पता है तो ये सवाल बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को, क्योंकि देखो इसमें ये आश्विन और श्रावण, यानी कि जो आसो जो श्रावण महीना, सावन महीना है अपना, ये तो बेतुके ऑप्शन लग रहे थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब कन्फ्यूजन ज़्यादा इसमें कार्तिक में और माघ शीर्ष में हो सकता था। कार्तिक महीने में दिवाली आती है, तो दिवाली के पास तो होता नहीं है, दिवाली के पास तो ये गीता जयंती है नहीं, दिवाली के बाद आता है। तो ऐसे लॉजिक लगा कि इसका ऐसे सही आंसर इसका माघ शीर्ष है। अभी जैसे ये दिसंबर महीने में सेलिब्रेट होने वाला है आपका, हर साल ही दिसंबर में ही होता है ये, तो दिसंबर में या जनवरी के फर्स्ट वीक तक चला जाता है कभी कभी, तो वैसे लगभग दिसंबर का ही रहता है। तो इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट था। पिछली बार से इस बार का इजी था ये पीजीटी लेवल। हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, ये है किल रोड गांव में पड़ता है, ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए है वो बिल्कुल परफेक्ट था। नेक्स्ट था कि वेन द हरियाणा स्टेट कॉपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड लिमिटेड वॉज स्टेबलाइज्ड, ये थोड़ा इजी था आपके लिए। एक्ट 1961 के तहत 1 नवंबर 1966 को ये सेटअप किया गया था। इसका ठीक आंसर बी वाला ऑप्शन परफेक्ट था। किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एल्ब्रस को फतेह किया था। ये करंट अफेयर हम लोग डेली अपनी वीडियो में, इसको वैसे कई बार रिवाइज कर चुके हैं अपनी वीडियोज में हम लोग, तो इस सवाल का ठीक आंसर रोहतास बिश्नोई है। अच्छे से पढ़ा चुका हूँ मैं, हरियाणा के हिसार के आदमपुर से संबंधित है ये, और ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कई बार, यूँ समझिएगा अपनी क्लासेस में तो स्पेशली। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। ऐतिहासिक गांव सुग के बारे में हमने कई बार जिक्र किया है, ये यमुनानगर के अंदर पड़ता है, यहाँ पे चीनी यात्री भी गया था, जो चीनी यात्री हेनस्वांग था ना वो भी।
अगेन ये भी आपने कई बार रिपीटेड पढ़ लिया है, मौर्य कालीन स्तूप के साक्ष्य ये टोपरा में मिले हैं, टोपरा यमुना नगर में, ठीक है ना, टोपरा यमुना नगर में, ठीक है ना। इसके अलावा राज्यपाल, मैंने एक स्पेशली वीडियो डाला था, कहा था कि पीजीटी के एग्जाम में राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन वो डायरेक्ट ही है आपका कि कौन से राज्यपाल ऐसे हैं जो कि आईसीएस ऑफिसर रह चुके थे, इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर चुके थे। तो हरियाणा के अंदर टोटल 18 राज्यपाल रह चुके, और 18 में से 8 में राज्यपाल जो थे ना, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी, यानी कि एस एम एच बरूनी से आपको याद करवाया था मैंने, और इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक था। ये तो पहले राज्यपाल है हरियाणा के, हरी आनंद जो है ना ये भी नहीं थे, और सरजीत ये छठवें राज्यपाल है, नौवें राज्यपाल है, लेकिन आपको इसका 8वें राज्यपाल इसका सही परफेक्टली मैच हो रहा है। ऑलमोस्ट आपके सही आंसर गए होंगे, सही थे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत यूं था कि ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर रहा था क्वेश्चन, जिसने भक्ति को थोड़ा बहुत पढ़ा था। बाकी चिंकारा वाला तो आपने क्लासेस में भी कई बार मुझसे ही रिपीट सुन लिया होगा। टीसी गुप्ता है, करंट अफेयर्स अगर डेली पढ़ते हो तो इसको भी मैंने कई बार रिपीट किया है। गीता जयंती वाला तो इजी पार्ट था, थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता था, जैसे कि कुरुक्षेत्र में या सोनीपत में, पर ठीक था, ये सवाल भी कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं था, इजी पार्ट। और बाकी पेपर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ एकदम अंडर कंट्रोल में था, और ये लगभग आपने सब पढ़ा ही हुआ है। खैर बताइए आपके कितने मार्क्स इसमें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया, राधे राधे, एंड आगे के पेपर के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।